शो की एंडिंग आपको रुलाने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों, KGF चैप्टर 2 जिसका इंतजार हम कब से कर रहे हैं, 2018 में रिलीज हुई थी इसका फर्स्ट पार्ट, तभी से इंतजार हो रहा है कि KGF चैप्टर 2 आए, और इसका रिलीज डेट भी अनाउंस हुआ था लेकिन कोविड की वजह से ये टाइम पर रिलीज नहीं हो पाई थी, लेकिन अब फाइनली अगले साल मकर संक्रांति के मौके पर इसे रिलीज किया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जुड़ी हुई है फिल्म की कहानी को लेकर, फिल्म के किरदारों को लेकर। यश नज़र आएंगे, अधीरा नज़र आएंगे, और अधीरा का जो लुक है वाकई वो सिहरन पैदा करने वाला है। संजय दत्त का जो लुक होने वाला है, अब जो फिल्म से खबर सामने आई है वो थोड़ा सा KGF फैंस को दुखी कर देगी। और आजकल जैसे इंडिया पाक का मैच में इंडिया हारती जा रही है, उससे भी बड़ा दुख लोगों को हो सकता है, क्योंकि इसकी एंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हो सकता है, तो आपको बता दूँ कि KGF चैप्टर 2 के एंडिंग में हमारे यश नहीं रहेंगे। बहुत ज़्यादा दुखद खबर, वाकई दोस्तों दिल तोड़ने वाला है। लेकिन ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अच्छी खासी फाइट्स होनी है इसमें, अधीरा को हराना है ये भी तय है, तो यश को आखिरकार मारेगा कौन, ये सवाल है। और फिल्म की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि ये ट्रेंड भी कर रहा है कि भाई क्या होने वाला है। KGF की रिलीज डेट को लेकर ट्रेंड हुआ, कुछ ना कुछ ट्रेंड होता ही रहता है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से यश ने अपनी माँ से वादा लिया था, वादा किया था कि वो पैदा तो गरीब हुए लेकिन वो मरेंगे अमीर, वो वादा तो वो पूरा करेंगे। और मरने वाली बात यश की माँ ने कही थी, कोई भी माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा इतनी छोटी उम्र में चला जाए, लेकिन यश इस फिल्म में मरते हुए हमें दिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये खबरें आ रही है। लेकिन मारेगा कौन, क्या अधीरा मारेगा, ऐसा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अधीरा से तगड़ी भिड़ंत होगी और अधीरा को तो मरना पड़ेगा, भले चाहे कितना भी खुकार हो अधीरा जाएगा, लेकिन यश को मारने वाली होगी फिल्म की विलन कह सकते हैं, रमिका सेन, जिसका किरदार रवीना टंडन निभा रही है। और पिछले KGF चैप्टर 1 में जिस तरह से उन्होंने डेथ वारंट साइन किया था, ऐसा ही कुछ होने वाला है। पुलिस आएगी अपने यश को पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, चारों तरफ से वो घिर जाएंगे, लेकिन यश अरेस्ट होना पसंद नहीं करेंगे। वो खुद ही ऐसी मौत नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें पकड़ ले फिर जेल में सड़ने के लिए भेज दे, ऐसा नहीं चाहते थे। तो ऐसा नहीं होने वाला है, एक जस्टिफाइड एंडिंग होगी, सैड होगी लेकिन जस्टिफाइड एंडिंग होगी, और वो खुद ही मौत को गले लगाते हुए फिल्म में दिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ होने वाला है। आपको क्या लगता है, आप कैसी एंडिंग चाहते हैं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।